सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। अर्धशतक लगाने के बाद अपने भाई हार्दिक पांड्या को गले लगाकर फूट फूट कर रोए कुणाल पांड्या, और जो कहा वो आपको भी रुला देगा। जी हाँ, अपने करियर का पहला वनडे मैच खेल रहे कुणाल पांड्या ने शानदार अर्धशतक जड़ा और एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहले डेब्यूटेंट भी बने। कुणाल ने मात्र 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आज जैसे ही उनके छोटे भाई हार्दिक पांड्या ने उन्हें वनडे कैप दिया, कुणाल भावुक हो उठे। वो भावनाएं उनके पिता के लिए उमड़ी थी, क्योंकि वो इस लम्हे को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। कुणाल के पिता की कुछ दिनों पहले ही मृत्यु हो गई थी। जाहिर था, अपने पिता के सामने अपने देश के लिए ना खेल पाने का मलाल अंदर लिए कुणाल जब मैदान पर आए तो आक्रामक दिखे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की खूब खबर ली और मात्र 26 गेंदों में ही अपना अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया। कुणाल आखिर तक मैदान पर टिके रहे और सिर्फ 31 गेंदों में 58 रनों की नाबाद पारी खेली, जिनमें 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। कुणाल पांड्या अर्धशतक लगाते ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और आंखों से आंसू छलक गए। हार्दिक पांड्या भी अपने भाई की इस कामयाबी पर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इनिंग्स खत्म होने के बाद दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। जिस जिस ने इस लम्हे को देखा वो भावुक हो उठा। अर्धशतक लगाने के बाद कुणाल पांड्या कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से रोते रोते कहा कि ये अर्धशतक उनके पिता के लिए है और उनके पिता को ही समर्पित है। इस इमोशनल मोमेंट पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें और हां, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।